प्रभाग क्रमांक 21 इथं विविध विकास कामांचा शुभारंभ नागरिकांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. प्रभाग क्रमांक 21 इथं नगरसेवक तौफिक शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहारनगर भाग 2 आणि 3 मध्ये विधान परिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निधीतून 10 लाख रुपये तसंच नगरसेविका तस्लीम इरफान शेख यांच्या भांडवली निधीतून 5 लाख रुपयांचं बजेट देऊन खान जनरल स्टोअर ते इशातुल इमान मस्जिद पर्यंत तसंच चिनीवार घर ते सरपरा शेख घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करण्यात आलं. याप्रसंगी नगरसेवक तौफिक शेख, इरफान शेख, नुरुद्दीन मुल्ला, मोहम्मद हनीफ शेख, शब्बीर टेलर, नासिर चंदरगी, वसीम वस्तात, जानवाडकर, मोहम्मद बागलकोटे, मुजावर महबूब शेख, इलिया शिलेदार, तजमुल पिरजादे, तौसिफ सगरी, साजिद शेख, गनी शेख, सुकूर सय्यद, युसुफ सईद, अतिक शेख, मुस्ताक शेख यांच्यासह प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. त्यांनी नगरसेवकांचे आभार मानले. क्रमांक 21 मे हमारे मार्गदर्शक हमारे आधारस्तंभ तौफिक भाई शेख इनके मार्गदर्शन में वैसे ही विधान परिषद के आमदार प्रशांत परिचारक इनके निधि में से पहलवान साहब ने यहाँ पर पाठ पुरावा करके 10 लाख रुपए का निधि हमारे प्रभाग को मंजूर किया. वैसे ही नगर सेवक तस्नीम इरफान शेख इनके भांडवली बजट में से 5 लाख रुपए जो वाड़ियों काम हुआ उसके लिए भी यहाँ पर बजट दे चुके हैं. जैसे कि हमने लोगों को वादा किया था आपके पानी, ड्रेनेज, रास्ते की जो कुछ भी समस्या है इंशाल्लाह आधे से ज़्यादा या आपके वार्ड में के पूरे पूरे काम होते हैं. आने वाले वक्त में जो कुछ भी काम बचे हैं पलवान साहब के माध्यम से इंशाल्लाह वो भी पूरा करें. कॉन्क्रीट रास्ते का उद्घाटन हुआ ऐसे मैं जाहिर करता हूँ. इस उद्घाटन के मौके पर सारा भाग 2-3 के जो इशतुल ईमान मस्जिद के सभी जिम्मेदार ट्रस्टियान मोहल्ले के लोग नौजवान साथी यहाँ पर जो बजट है हमारा सारा भाग नंबर 2-3 का जो कांग्रेस रस्ते का इब्तदा हुई है अभी विधान परिषद के आमदार सुधाकर पारिचारिक प्रशांत पारिचारिक इनके निधि में से इरफान भाई हम सब मिलकर हमारे जिम्मेदार लोग मिलकर इसका पाठ प्रवाह करे सो है. ये बजट 10 लाख का है और वाड़ी काम तस्लीम इरफान शेख इनके बजट में से 5 लाख रुपये लिया गया. ये 10 लाख और 5 लाख 15 लाख का जो काम है इंशाल्लाह ये काम ये 2 गल्ले में है तो काम काज इतना भी कॉन्ट्रेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है काम अच्छे क्वालिटी का होना. आपने यहाँ के लोगों को सहकार्य किया है, साथ दिया है.